मस्त वेदर है ना वेनु? यस, सुपर डिप्रेसिंग। वेनु और मैं एक जैसे हैं, हमारी शक्लें देख के आप बता सकते हो कि आज सूरज निकला है या नहीं निकला, धूप निकली है या नहीं निकली। आज अंदर ही रहेंगे गाय के लिए, निकालेंगे सफाई के लिए। कुछ ऐसा जो पता होना चाहिए? सब ठीक है, बस बच्चों को हम अलग करने का सोच रहे हैं मदर से, एक के बाद एक डल हो रहे हैं सारे। माँ के साथ रहने की जैसे डल होना हो रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, माँ ना तो उनको टच करने देती दिन भर उनको, है ना, और अब ठंड बढ़ रही है पूरे टाइम, अब चैनल सॉरी तुम क्या बोले, तो मुझे आवाज नहीं आया ना, वो पपीज का आवाज का वैसे। पपीज नहीं, ये बोला। ओह, पुट द ब्लेम वेयर इट बिलोंग्स वेनु, है ना। ओके जी, ओके। हाँ जी, तू मुझे चाट ले, तू मुझे मार ले। हाँ, आप बता रहे थे। मेरे को पता है, मदर के पास छोड़ेंगे तो थोड़ा सा बेटर ही होगा फीडिंग वाइज, बट हम मदर के पास फीडिंग के लिए ला सकते हैं ना, बाकी जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो तो हमें अलग करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी 3 है तो मैनेज कर सकते हैं। इसे क्या हो गया? पता नहीं, इसकी हीलिंग तो काफी अच्छी हो रही है रेचल की। इसका पूरा वो खुल गया था ना, एम्पिटेशन जहाँ पे करी थी वो साइट खुल गई थी। जिलमिल का भी जो ओपन हुआ था ना फ्यूचर वाला साइट, वो भी अच्छे से हील हो रहा है ऐसे ही। वो आइसोलेशन में थी और अब ठंड बढ़ रही है, तो अगर आइसोलेट करना ही है हमें, उसको कोई ऐसा चभी सिम्टम है नहीं। एक सेकंड, चभी इसको आप डिस्ट्रैक्ट करोगे आपको मार लेगा ना थोड़ी देर। आ जा, ग्रैब हिम बाय द हॉर्न। ठीक है, ओके, चलो देखो ओटी में शिफ्ट कर लेते हैं, आज की सर्जरी हो जाएगी। ठीक है, और आज से चूचू, आज सर्जरी जो है स्पे ही है। हाँ सर, जो दानू है उसका टेस्ट के लिए हमने भेज दिया था टिश्यू सैंपल इंटेस्टाइन का। ज्यादा कल मैंने जब अपडेट ली थी तब तक तो रिपोर्ट आई नहीं थी। नहीं, मैं एक बार और पूछ लेती हूँ सर से। सर्जरी चली गई ना यहाँ तक तो आ जाए वापस? हाँ, कल गई ना। ये 5-6 महीने पहले हमने अडॉप्ट की थी ना, फिर इसको इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन। फिर हमने यहाँ पे इनसे बात की, उन्होंने बोला कि आप यहाँ छोड़ जाओ इसको, जब ये ठीक हो जाएगी तो आप इसको वापस ले जाओ। चलो चलो। संजू बस मेरी बकरे बचाएंगे मुझे। ये रोटियां आप दे दोगे? हाफ कर लेना। उसके पास है रोटी। ये मुझे दे दो भैया, ये तो आस्था है। दो 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 दो। अरे कैसा खराब है यार तू, यू नो तेरे को हम ईद के आसपास अडॉप्ट कराएंगे। इसको इतनी गंदी आदतें पड़ गई हैं मूंगफली खाने की कि अभी ऑफिस में जो डस्टबिन है उसमें से छिलके खाना शुरू हो गया। इसको बिना छिली दो तो छील लेती है, पर छिली हुई प्रेफर करती है। छटोरे कटोरे, हमारा जो पीनट बटर फॉर डॉग है उसकी है, वो कर सकती है एडवर्टाइजमेंट। बस हो गया, यहाँ केलों में के साथ कुछ हेरा फेरी चल रही है। ये तुम क्या कर रहे हो केलों में? सर एक कोटा कर रहे हैं, कोटा पेट पेट के लिए अलग। अच्छा, ये केले में छुपा छुपा के पेल दे रही हैं। कोई एक गाय समझदार है ना जो निकाल देती है टोफू, टोफू को पेल दो केलों में, तो महाकाल नहीं खाता? नहीं, निकाल देगा ये पूरा, बाकी खा लेते हैं। बाकी खा लेते, ये थोड़ा ना महाकाल, ये तो त्रिकोण है। हाँ सॉरी, त्रिकोण है, त्रिकोण निकाल देता है। अच्छा, ले इसको भी खानी है। नहीं खाएगा नहीं सर, ये खाएगा ही नहीं। ले नॉर्मल केला खा लेगा, इसको पता नहीं कि अभी ये खिलानी है तो खाता है। ओ नॉटी बच्चों की तरह है, ये खा लेगा। नहीं, वो भी केला आगे पीछे खा रहा है पूरा। निकल गई, निकल गया। थी ये दवाई पूरी खा अपनी। क्या खाएगा केला तू? बाय द वे, बाप में से बड़े सारे लोगों को ये नहीं पता होगा
कि गाय बैलों के सिर्फ नीचे के दांत होते हैं, ऊपर इनके कोई दांत ही नहीं होते। रेस्क्यू पे जाना है ना अभी, जैसे साहिल स्प्रे के लिए डॉग्स ले आता है हाँ। उसके बाद वो निकल जाएंगे नगरोटा, जो रेस्क्यू रह गया था 2-3 दिन पहले वाला, जिसकी जगह हमारे को एक दूसरा बैल ले आया, माया जाल आया था। ये मैंने बरसात में देखी थी ना, बरसात में देखी थी, तब इसके पैर पे शायद लगी है कुछ, ऊपर गिरा है, उसका सड़ गया था। ये पिछले बार आए थे तो मतलब गाय ढूंढ रहे थे, तो फिर हमने मतलब कोशिश की है हम इसको ढूंढ कर रखते। चलो जाओ चलो चिल कर। मैंने ये नहीं कहा आज ही छोड़ रहे हो, मेरे को तो यही बोला संजय ने। संजय जी कब से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन, तभी तो वो आपसे बात कर रहे थे, तो ही तो मैं पूछ रहा था कि ज्योति कहाँ है। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने संजय जी को ये बोला था कि राही जब भी जाएगा दौलत राम जी जाएंगे, तो जी। कुछ कहीं पे कम्युनिकेशन मिस्टेक है, तो अभी एक दो दिन रुक जाते हैं, ठंड भी है, बारिश भी है कल, है ना, फिर करते हैं। और कुछ पपीज आए हैं राधा जी की, स्पेस एक पपी आया है। पहले जो थे वो दो आए थे, अभी जस्ट जो अभी आया वो एक आया है, तो टोटल आज हमारे पास तीन आए हैं। बच्चे कितने बड़े हैं? 4 महीने के। 4 महीने में हम कर रहे हैं इसको, सक्सेसफुल हो रही है जी। बहुत से लोग अपने डॉग की सर्जरी कराने के लिए फर्स्ट हीट या फर्स्ट प्रेगनेंसी की वेट करते हैं, जबकि 4 से 7 महीने में इनके ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, और फर्स्ट हीट से पहले सर्जरी करा दें तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी काफी घट जाता है। वेलफेयर करना है, सर्जरी बेस्ट तरीका है। ज्योति ये बात नहीं समझती, राधा समझती है। ये तीनों एक साथ आ जाएंगे ना क्या? हां तो सर राधा नहीं समझती बस। राधा एक्सप्रेशन चेंज हो गया, लेकिन आप देख उधर रहे हो ऐसा क्यों? हां तो ले आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? इससे मेरा मुंह बंद रहेगा। और आपका मुंह क्यों बंद रहना चाहिए? क्योंकि सारे कंप्लेंट करते हैं। क्या कंप्लेंट करते हैं राधा? कि तुम्हारे शोर आता है। कौन कहता है ऐसा? सभी। इस बात में सच्चाई है क्या? अगर मैं चिल्लाऊं नहीं तो ये स्टाफ सुनता भी नहीं है ना, तो क्या करूं? ऐसा क्यों राधा? आदत पड़ गई उनको मेरी। तो आप कह रहे हो कि जब तक आप गुस्सा ना करो लोग काम नहीं करते? हाँ, क्योंकि ढीठ है ना सारे। पता है यही बात अगर मैं कहूँ तो सडनली मैं ईविल बॉस हो जाता हूँ। नहीं, हमने तो कभी नहीं बोला। जनवरी का महीना हमारे यहाँ सबसे ठंडा होता है, क्योंकि ठंड भी सबसे ज़्यादा होती है, बारिश भी हो रही होती है, और फिर सुबह सुबह पावर कट भी हो जाता है। पर इस सब के दौरान भी जो हमारी नॉर्मल गतिविधियाँ हैं वो तो चली नहीं। अब यही है, हम उन एनिमल्स को बस गर्म रखना है। आप कैचिंग पे जा रहे हो? नहीं नहीं सर, ट्रीटमेंट के लिए। ज्योति ने कुछ पिया है, फटाफट गिलास चबा दिया, मुझे पता नहीं क्या पी रही है। वो पपीज हमने अलग कर दिए। डॉक्टर हिमांशु से मैंने पूछा था और उन्होंने बोला कि सिर्फ एक पपी आइसोलेट करना उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो उनको साथ में ही रहने दो। ठीक है, तो आज तो सब खचपच ही रहेगा, मुर्गियां भी यहाँ पे नहीं आएंगी, गाय भी सारी अंदर ही रहेंगी। ठीक है, गेटिंग थ्रू द डे वाला सीन है आपको। बस सबको अच्छे ब्लैंकेट्स वगैरह दे देंगे, खिन दे देंगे अगर गायों को जरूरत है। ये तो आपस में भी एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। और सैंक्चुरी में जो घोड़ों का चेकअप होना था वो हो गया ना? हाँ सर, हो गया, सारा ब्लड टेस्ट हो गया, फीकल टेस्ट भी किया है ताकि वॉर्म लोड का पता लगे। बस थोड़ा सा चार्ली का समझ आ रहा है इशू। आ रहा है इशू समझ? सर हाँ, उसके प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन है ना, बाकी और कोई इशू नहीं है सच, डिहाइड्रेशन है माइल्ड। तो उनको भी पपीते के पत्ते का जूस चल जाएगा? हाँ, और ये लोग डायरेक्टली अगर पत्ते खा रहे हैं तो फिर अपना जूस बनाने का भी जरूरत है ना। पत्ते खा रहे हैं वैसे? हाँ। तो पपीते तो अपने बहुत लगे हैं, तो वहाँ पे सब सही स्मूथली गया, कुछ इशू तो नहीं आया, कोई भागा नहीं, कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, सब ठीक है। या आप फुटेज देख के ना खुद डिसाइड करना अभी। बस हाँ, तो ये अगर टांगे ठीक हो तो ये नहीं आ जाता। अच्छा, लेटर नहीं आई।
कहाँ से लूँ मैं सैंपल साइज? अब मेरे ख्याल से इन लोगों को आदत हो गई है हैंडल करने की चीज़ें, तो ये लोग हर छोटी चीज़ ऐसे नहीं बताते मेरे को आगे। बाकी अब मैं वहाँ गई नहीं थी तो आप भी ब्लॉग देखना। ओ हमारा जो कल यूट्यूब पे हमने स्ट्रीट इंटरव्यू डाला वो अच्छा रिएक्शन आया उस पर लोगों का, तो अगर आपने देखा नहीं है तो आप देखना ज़रूर। आपके पास डॉग है क्या घर पे? बड़े वाले का नाम है सम्मो और छोटी वाले का नाम है रूबी। सम्मो ने रूबी को पैदा किया था। अच्छा, मतलब पहले सम्मो हमें मिली थी। हाँ, और सम्मो कहाँ से मिली थी आपको? हमारे घर के सामने। ओ, तो आपने सम्मो को अडॉप्ट किया है, तो आप हमारे वीडियो भी देखते हो क्या? हाँ, कहाँ पे? यूट्यूब इंस्टाग्राम पे? यूट्यूब पे। नाइस। और आपके मम्मी पापा को हमारे बारे में आपके थ्रू पता लगा? वाह, हमारे भाई तो एम्बेसडर एक तो गया। आप इसको खिला भी सकते हो, ये चटोरी है ना, ये मूंगफली खाती है। मैं भी खा लेती हूं। नाइस, ठीक है, फिर आप शेयर कर सकते हो ना। नाइस टू मीट यू इन पर्सन। हेलो सर। हाय। हाय। मैं वीडियोस देखता रहता हूं और हर टाइम और मैं छुप के देखती रहती हूं। तो छुप के क्यों देखने की जरूरत है? मेरा टीवी पे तो चलता है। अगर भी आप फोन पे भी देखते हैं। हां, फोन पे भी देखते हैं। ये लो, अब इसको खिलाओगे? आपके पास एक अडॉप्टेड डॉग है बता रहे हैं? दो है, दो हैं, वो मदर है फिर उसकी आगे बेटी भी, तो उनमें से एक हमारे पास अभी है, अभी उसके और होंगे तो वो भी रहेंगे हमारे पास। अच्छा, आपने स्टरलाइज अभी नहीं कराया? नहीं, स्टरलाइज नहीं करा पाए, हमें वो कराना है, हमें उसके बारे में जानना है। आई वॉन्ट टू वॉलंटियर इन दी जो आपका जो मेडिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है जो इनको ट्रीट करता है, बैंडेज करता है, ताकि मैं कुछ सीख सकूं उससे। हाँ, आप आ सकते हैं। आई कैन छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे कर सकूं। आप फीडबैक भी ले सकते हैं बिल्कुल। स्टरलाइजेशन तो आपको करा लेनी चाहिए क्योंकि आप कितने टाइम तक वो बच्चों को इधर उधर अडॉप्ट कराएंगे ना। जैसे ये हमने अडॉप्ट करी थी तो इसको हमने स्टरलाइज करा दिया, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है कि इसके बच्चे होंगे। जी जी जी। और उसके बाद ज़्यादा अच्छी हेल्दी लाइफ भी जीते हैं। टू कैंसर के भी कम हो जाते। आपने बड़े होके क्या बनना है? एनिमल डॉक्टर। और आपको कौन बनाएगा एनिमल डॉक्टर? ओके, आपकी है। सो जितनी फीस होगी ना आप रॉबिन अंकल से लेना, ठीक है? उसको तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। बोला कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कोई? जब मिल के आई आपसे। गुड यार, चाहिए ऐसे ना, हमें अच्छे वेट्स चाहिए जो इसलिए वेट बनना चाहते हैं क्योंकि उनको एनिमल्स की हेल्प करनी है। आप में से भी कोई अगर वेट बनना चाहता है और सिर्फ इसलिए नहीं बन रहा कि आर्थिक कारण है, तो आप मुझे ईमेल कर लेना robin@peoplefarm.org। चटोरी, कुछ पता चला लाइट कब आएगी? डेढ़ घंटे उसके अलावा पफी को लेके हम, क्योंकि उसके प्लेटलेट्स अभी भी लो ही है, तो हम सीधा प्रोसीड कर रहे हैं सर्जरी के लिए। सर काफ़ी टाइम हो गया उसको रहते हैं यहाँ पर भी, है ना, और हम आज डेट की कोशिश करेंगे कि कल की ही मिल जाए, नहीं मिलती है तो हम करा ही लेंगे अगले हफ्ते तक सर्जरी, क्योंकि ओल्ड डॉग है, सेकेंड टाइम ट्यूमर हुआ है, थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो यहाँ पर रिस्क नहीं ले रहे हैं सर्जरी का, पालमपुर में ही करवाना है। उन्होंने कहा था डॉक्टर हिमांशु ने कि उनके कॉटराइजेशन के लिए कोई बेहतर मशीन है पालमपुर में, तो इसलिए कॉटराइजेशन वो होता है कि जैसे ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसको काइंड ऑफ जला के वो रोक देते हैं, पर ये बहुत ही देसी तरह से मैंने समझाया है। इसके लिए मशीन आती है प्रॉपर जो कि पालमपुर यूनिवर्सिटी में हमारे पास नहीं है। जो उनसे मिलना है तो बॉस को और जो पेरेंट्स को, उनको नहीं देना यार। मतलब मैं बता रही हूँ कि पेरेंट का कॉल आया, तो मैंने तो ये बोला है कि मैं तो कुछ नहीं बोल रही, मेरा हमारे तरफ से ना है, लेकिन वो थोड़ा प्रेशराइज करे, तो मैंने बोला मैं सर से एक बार बात करूँ। नहीं, बच्चे ने घर जाके भूख हड़ताल कर दी होगी, वो पेरेंट दबाव में ले आएंगे, वो नहीं यार। ये कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, हाँ बोलो। नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। अभी बॉस की बात चल रही थी कि उसको कोई लेने आए थे ना, तो पेरेंट्स आए थे, बच्चा आया था, अगेन पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे थे, बच्चा जिद कर रहा था, बच्चा एज इन टीनेजर था, तो अब वो चाहते नहीं थे कि उनको कोई शूट करे,
उस समय तो वो नहीं आ रहे थे, नहीं मान रहे थे. हमने भी कहा था कि भाई ऐसी जगह नहीं देना जहाँ पे सब अग्री ना होते. तो अब उनका फ़ोन आया, बट हम नहीं चाहते कि बॉस जाए फिर से तीसरी बार हार्ट ब्रेक करा के वापस आए. थैंक यू. इसकी मैं बड़े टाइम से वेट कर रहा था. संजय भी कल शाम को फ़ोन आया, ये आज लेके आए हैं डब्बा. क्या है इसके अंदर डब्बा? क्या है इसमें यार? मैं ना कुछ अभी दिखा के बताऊँगा तुम्हें. छोटे बच्चों का ना. यस, ये हमारे प्लास्टिक के पाइंट. लोगों को पाइंट में चाहिए कम्बुचा, लेकिन ग्लास रस्ते में टूटता है. ओह नाइस. और हमारी शिपिंग भी कम हो जाएगी. तो जो लोग हमारा प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, तो हमारा ज़्यादा पैसा बचेगा. ऑफ कोर्स हम काला ढक्कन लगाएंगे. कैसा लग रहा है देखने में? कूल लग रहा है. ऐसे कह रही है? नहीं नहीं, अच्छा. फिर आज लाइट नहीं है. ओ, अभी जेनसेट शुरू होना. हम बाहर चल के बात कर लेते हैं. मुझे बस उस, हाँ मुझे वो मुर्गियों से मिला दो. पर ये जो मेल मुर्गा आया है, ये कौन सा वाला आया है? अकबर. अकबर तो साहिल को भुलेखा लगा था. जो बेचारा पिटा है वो किटकिट नहीं है, बल्कि किटकिट और एंथनी ने अकबर को पीटा. तो मुर्गों की ना यही समस्या है जो कुत्तों के साथ नहीं है. कुत्ते क्या है, सारे अलग अलग दिखते हैं, उनकी सारी अलग पर्सनैलिटीज हैं, हम उनको नाम देते हैं, प्यार करते हैं. मुर्गे सारे एक जैसे दिखते हैं जैसे आलू, और इसीलिए हम कुत्तों को खाना खिलाते हैं, इन्हें हम खा जाते हैं. एंथनी और किटकिट ने मिलके अकबर की आँख फोड़ दी है. तो अब अकबर हमारे इस वाले ग्रुप में आ गए, जिसमें है हमारा चूचू, अमरप्रीत एंड अपनी श्वेता जो कि पूरी काली है. साहिल बता रहा है कि दूसरा जो मुर्गा है ना, वो एक और मुर्गे को मार दे. अब वो दो आपस में लड़ रहे हैं. तुम्हें भी उनमें से एक लड़ाका है, उसको एक को अलग कर दो, बाकी सबको. समझ नहीं आ रहा ना कौन सा वाला है. अब जो पिट रहा है उसको बड़े बड़े है ना, दोनों सेम हाइट के ही है ना. जिसके बाल, हाँ जो बाल फूटे गए और क्या. मेरे को उससे गाय से मिलना है, अपनी जो आई है रेखा. वो जो नगरोटा में हम जिसको लेने गए थे, हमें बुल लग रहा था ना पहले. हाँ, हमें बुल लग रहा था, फिर हम उसकी जगह एक दूसरे बुल को ले आए थे. ये तो काइंड ऑफ हम यही कहेंगे कि रेखा की वजह से किसी और का रेस्क्यू हो गया. अरे ये तो जरा सी है, खुर में चोट है. नगरोटा तो आपकी भी तबीयत खासी ठीक नहीं लग रही. क्या हो गया? डे ऑफ ले लो एंड बिफोर और कोई यहाँ पे हादसा हो जाए. ओ ओ एक सेकेंड इसका शूटिंग लूज मोशन जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हाँ बता दो, आप ही बता दो. मुझे बताओगे? हाँ. ज्योति मुझे बता रही है कि शॉर्टकट को एक्सरे के लिए हमने आज पालमपुर भेजा है. शॉर्टकट को एक्सरे के लिए हमने पालमपुर भेजा है. बस इतना ही. एक आखिरी चीज, आज क्योंकि वेदर ठीक है तो आज हम रिलीज करा दें उसको. हाँ, अपना हीरो जो है राही को. सर राही के लिए किसी को जाना है साथ में बात करने, या दौलत राम जी कर लेंगे? एक वेडिंग, एक बोल और राही. हाँ, केबल खाता है वो? हाँ, राय केबल खा लेगा. हाँ, तो छोटा सा एक फूड बैग भी साथ भेज. हाँ, देते हैं. एक जो थोड़ी बैड न्यूज़ है, नरगिस, हमने कहा था ना कि हम इसको रिलीज़ तो कर देंगे, इसका रिलैप्स हो जाएगा, तो उसका वीडियो आ गया है. उसके बाल फिर से झड़ गए हैं. अब हम उसको ट्रीट ऑन स्ट्रीट ही करेंगे. वहाँ पर जो उसका ध्यान रख रही हैं शशि की फ्रेंड ने ममता, तो जो कैफ़े चलाती हैं, उनको हम सिरप्स भिजवा देंगे और उसका वीकली जो डोरामेक्टिन का और उसका ट्रीट ऑन स्ट्रीट ही करेंगे. तो अगर आप लेकिन नरगिस को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. ठीक है, मैंने चलेगा. लो एनर्जी था. एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर. हाँ, एंड ऑफ द ईयर हम थक गए हैं. ठीक है, गुड रहा एक्सपीरियंस. रियली गुड. आई विल बी बैक. कोई फीडबैक आपका? अपॉर्चुनिटी, थैंक्स हेल्प करने के लिए. और आप वो इंस्टाग्राम वाले मैप पे करेंगे काम? वो करके दूंगी मैं.
छवि हमारी हेल्प कर रही है। हम चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे एक मैप हो जाए जिसमें भारत में जो भी वीगन्स हैं अपना बता सके कि हम यहाँ पे हैं, ताकि एक काइंड ऑफ हो जाए, सेंसस हो जाए कि भारत में आखिर कितने लोग वीगन हैं और कहाँ कहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेटेड। सही है। बट आई नीड अ पिक्चर। हाँ हाँ हाँ। अरे छवि, ये किस चीज़ के लिए समोसेस? ऐसे खुशी से जो मैंने इकट्ठी की इतने दिनों में सबके साथ रह के, वो खुशी। ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर। उधर आओ बदतमीज। ये क्या है? यश, यशवी तो पता है मैंने कहा ये क्या आया है। यशवी ने हमारे लिए अमेज़न से ब्लैंकेट्स ऑर्डर करे। ओह, सारे एनिमल्स के लिए। वाओ यार, दैट्स वेरी जेनरस। थैंक्स ज्योति। तुम उस दिन कह रही थी कि इसने घास के बिना खाना खाना बंद कर दिया है ना, दानू ने। साइलेज नहीं खा रहा वो हरा ही घास खाता है बस। क्यों खा लेता है मतलब? ये इसी का गोबर है अभी? ये वाला इसी का। दैट्स अभी तो इम्प्रूवमेंट है। मतलब ये हेल्दी गाय का गोबर है और ये दानू का गोबर है। दिखने में बुरा लग रहा है पर पहले से रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है। साइल उठा कर लाया गोबर दूसरा वाला। अच्छा, मुझे लगा किसी दूसरी गाय ने किया है शो ऑफ की। ये देख, उठा के लाया। दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू लुक लाइक। हां, इन्हें लग रहा है खाने क्या यार, तेरी बीमारी क्या है? खुश हो जाता है वो। तो YouTube पे क्या पूछा था कि राजा क्या करता रहता है, क्या जवाब दूं मैं? जब आपका काम वर्क होगा, ट्रेनिंग फिर अब आपकी कल से शुरू होगी। नए साल से ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ना, तो वैसे तो इन्होंने कल से शुरू करना है, पर आज ये जैसे कोई भी हेल्प है राजा के साथ हेल्प करा सकते। आज ट्रेनिंग वो मेडिकल, उसमें हेल्प करानी है। किसी और चीज में हेल्प करा सकते हैं? हाँ, किसी भी। आज तो किसी में भी हेल्प करा दोगे ना? हाँ, ठीक है, जरूरत भी आ जाए। काम तो बहुत है। ठीक है, हमें एक डिस्क्लेमर साइन कराना पड़ेगा कि हमारे बकरे वगैरह आपको मारते हैं तो इसमें हमारी। इसके बाद आई थिंक हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दो लोग और स्केड्यूल हैं, फिर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम वो कर रहे हैं स्थगित। अब हमारा बस यही है कि भाई कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं भरना, जिसने आना है एज अ डे वॉलेंटियर वो आ सकता है, अपना रहने खाने का इंतजाम कर लें। थोड़ा लीन सेटअप चला रहे हैं अब हम। तो अब ये चल रहा है ना ठीक? हाँ, बहुत ज्यादा ऐसे अब यंग डॉग की तरह तो नहीं है, नॉर्मल वॉक, जैसे आया थोड़ा वीक वॉक है, लेकिन पहले से तो बहुत बेटर है। आप जो कैंटोनमेंट एरिया से लाए थे ना, वहाँ कुछ मिलिट्री वाले थे ना जिनका गेट था बनाया, तो वो कह रहे थे वो खाना वगैरह डाल देते हैं ना, तो आप उन्हीं को बता दीजिएगा कि भाई ये बेड हम दे रहे हैं साथ ही में, बोल दे रहे हैं हम, ज्योति बोल दे रहे हैं, खाने का बैग भी। हाँ सर, खाने का बैग भी है, एक बोल भी दे रहे हैं। ठीक है ना, और वो पराल वाली बोरी है ना, पराल से भरी हुई। और बता देने कोई भी समस्या होती है तो हमने नंबर भी अपना इसके पट्टे पे ही लिख दिया है, तो बेशक अपने फ़ोन में वो सेव कर लें, हमें बता देंगे कोई समस्या होती है, हम देख लेंगे। बस यही है कि बूढ़ा डॉग है, ज़्यादा खाने वाने का देख लें।